मैं 30 साल सर्विस किया लद्दाख से कोर्ट में। दिल्ली में अभी भी धरना चल रहा है हमारा जो ORP 2 के, ये हमारा सबसे मुद्दा है एक सर्विसमैन का। हम देश के लिए जान देने के लिए बिल्कुल तैयार है। उसके अलावा हमारे लद्दाख के लोग पूरा फौज के साथ जब भी हिंदुस्तान को आज़ाद के बाद लड़ाई लड़ा गया, ये सारा ये लद्दाखियों ने किया जा रहा है। मुझे लगता है कि अग्निवीर तो हिंदुस्तान की सेना को कमजोर कर रहा है, यूजफुल जो एज है उसके उसको तो खत्म कर रहे हैं। 5 साल भी काट देता तब जो बिल्कुल कुछ ना कुछ फैसिलिटी मिल जाता, ग्रेजुटी उसको मिलते हैं, कंटिन्यू फैसिलिटी मिलता और ये मेडिकल फैसिलिटी मिलता। उन्होंने 4 साल का किया सर, अफसर जो शॉर्ट सर्विस होते हैं वो 5 साल का होता, वो सारे बेनिफिट उनको मिल जाता है। वन रैंक वन पेंशन में ऑफिसर्स को ज़्यादा फ़ायदा मिला और जो हमारे जवान हैं उनको कम फ़ायदा मिला, मगर शायद ORP ज़्यादा जवान को चाहिए होता है, मतलब उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि ऑफिसर के लिए। और एंड में लड़ता तो जवान है, ऑफिसर लड़ता है मगर जवान मतलब हज़ारों में जाके लड़ता है। आपने पूरी ज़िंदगी अपनी हिंदुस्तान की रक्षा करने में दी है। पूरा सर हमारा जवानी तो इसी में दी थी, बच्चे बच्चे लेके रक्त खून में सोना, ये हिंदुस्तान के लिए जान देने के लिए तैयार है सर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।